बंद करके रखना, कुछ एक मंत्रियों को ही जयपुर तक आने की अनुमति मिलना। इस दौरान जब सत्र आउट होगा तो तमाम विधायक आएंगे, तो क्या सरकार बहुमत साबित कर पाएगी ऐसे में, क्योंकि बंद में तो आप रोक कर रखे हुए 15-20 दिन तक? ये सब काल्पनिक और भविष्य के प्रश्न हैं। ये जरूर साबित कर रहा है इस बात को कि सरकार असुरक्षित है, भयभीत है, अपने लोगों पर ही उसको भरोसा नहीं है। वहाँ लोग बीमार हो रहे हैं, जॉगिंग करने वालों के पीछे पुलिस भाग रही है, तो एथिकली तो ठीक नहीं है, क्योंकि जो सरकार दावा करती थी कि एकता भी है, फिर लोकतंत्र की बात उन्होंने कही, नैतिकता की बात कही, तो धीरे धीरे सब चीज़ें सामने आ रही हैं कि कितना नैतिक है, कितना लोकतंत्र है। ये जिस तरीके की जानकारियां मिलती हैं, और जानकारी देने वाले कौन लोग हैं? आपने तो ड्रोन लगा नहीं रखा, न मैंने लगा रखा है, उन्हीं के लोग देते हैं कि विधायक कमरों में नहीं जा सकते, बातचीत नहीं कर सकते, जैमर लगा रखा है, सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अंदर जो लोग हैं वो सस्पेक्टेड हैं, संदिग्ध हैं, आपकी मेरी नज़र में नहीं, उनकी नज़र में, जिन्होंने उनको बाड़े में रोक रखा है। तो पहली बात, बाड़े पर ही ऐतराज है, तो ये संस्कृति तो इन्होंने तय करी। इस बार पहली बार राज्यसभा के चुनाव में भी और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भी भारत में, राजस्थान में बाड़ों की परिभाषा थोड़ी अलग किस्म की होती है, लेकिन इन्होंने विधायकों के भी कर दिए। तो ये नया आविष्कार, एक नवाचार किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसके लिए वो साधुवाद की पात्र है कि 55 वर्षों तक लूट और झूठ का खेल खेलती रही और अब बाड़ा संस्कृति को उन्होंने प्रोत्साहन दिया है। तो थोड़े दिनों में यदि इसी तरीके से आविष्कार करते रहे तो नोबेल पुरस्कार के भी हकदार हो जाएंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि वसुंधरा राजे को पीछे करने के लिए एक खेमा लग रहा है, उसी तरीके से अब सरकार के दूसरे मंत्री बोलने लगे, आज साले मोहम्मद कह रहे हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उनकी अपनी पार्टी टूट रही है और हमारी फिक्र कर रहे हैं। तो भैया, अपनी दीवार को बचाओ ना, अपने घर को बचाओ, हमारी क्यों चिंता कर रहे हो? हमारे तो कोई ऐसी कोई है नहीं, कोई तकलीफ हमें तो उनकी फिक्र करने के बजाय मुझे लगता है कि खुद की फिक्र कर लेते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती, न राजस्थान की जनता को इतना संकट होता, न इस तरीके की अस्थिरता होती, न अराजकता होती। तो ये तो अभी तक तो मुझे लग रहा है कि पिछले 2 साल खाली बयानों में और पत्र लिखने में लगा दिए। उनको राज्यपाल का पत्र तो लव लेटर लगता है, उन्होंने क्या किया? ये राजस्थान की जनता जवाब मांगेगी, आज नहीं तो कल मांगेगी। गहलोत सरकार वसुंधरा राजे पर तो पूरी मेहरबान लग रही है, उनका जो बंगला खाली कराने की संभावना थी वो भी खत्म कर दी, तो जिस तरह 4 बंगले अलग से अलॉट किए हैं, सबके को दिए हैं, यानी कोई संभावना नहीं रही। ऐसा है कि बीजेपी को और वसुंधरा जी को किसी कांग्रेस पार्टी की और किसी मुख्यमंत्री की मेहरबानी की आवश्यकता नहीं है, और इस तरीके के बयान दे के वो ये सोचते होंगे, प्रसन्न होते होंगे कि हमने पत्थर फेंक दिया। तो जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो क्या पत्थर फेंकेंगे, उससे क्या निकलने वाला है? टाइम पास कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, सरकार के जो काम दिख रहे हैं, कल कर्मचारी संगठनों से बातचीत की, मृतक आश्रितों को नियुक्तियां जल्दी दी जा रही हैं, कॉलेज जल्द खोलने की बात कर रहे हैं सीएम, और ग्रामीण विकास के जो काम है उनकी समीक्षा लगातार कर रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री और सरकार कई चीज़ों की संभावनाओं को देख करके काम कर रही है, इस तरीके से कई बार जाती सरकार काम कर रही है? ये आचरण तो उनका फड़फड़ाने जैसा है, ये आदमी फड़फड़ा के करता ना, इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी भाई, पहले ही कर लेते। आपने तो घोषणा पत्र में बहुत सारी चीज़ें की हैं, आपके महान आविष्कारक ने, राष्ट्रीय नेता ने तो 10 दिन में कर्जे माफी की बात की थी। हम तो अभी भी कह रहे हैं राजस्थान की जनता का भला करो भाई, कर्जा माफ कर दो, 10 दिन से भी ज़्यादा हो गए। तो ये लिपापोती करने वाला काम है। आप अन्नपूर्णा को इंदिरा रसोई बनाओ टाइटल बदल के, तो 1.5-2 साल तो टाइटल बदलने में लगा दिया। तो आपको किस डॉक्टर ने मना किया था कि भाई कर देते? आप सक्षम हो, अनुभवी हो, आपके पास पूरे सर्व सत्ता संपन्न हो, लेकिन मैंने कहा ना शुरू में कि यू टर्न वाली सरकार है, अब दे दें इस्तीफा। देखें, जो कहा था ना कि 124 यदि गलत हुई तो इस्तीफा दे दूंगा, वो रेफरेंस आपके पास होगा, तो फिर यदि बात पे ही कायम रहने, बात का ही धनी है, तो राजस्थान तो तलवार के बात के धनी लोगों की जगह थी, लेकिन यहाँ इस तरीके से यूटर्न लेके कितने दिन सरकार चलाएंगे? 124 ए अंधा आदमी बता रहा था कि 124 ए
ये इम्प्लाय नहीं होती, और आपने उसको लगाया, आपने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो झूठ हुई तो अब दे। कोरोना का विस्फोट लगातार हो रहा है, स्वास्थ्य भवन इसका ताजा उदाहरण है। आपको नहीं लगता कि हालांकि राज्यपाल ने भी ये बात कही थी कि विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जा सकता, कोरोना की स्थिति गंभीर है और अब लगातार गंभीर हुई भी। ये तो ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर खुद बीमार हो गया हो स्वास्थ्य में। तो सतीश पुनिया को आप सुन रहे थे, चलिए।